नवी मुंबई आवाज और रफी स्पैंक मुंबई प्रेजेंट्स नवी मुंबई आइडल। थैंक यू। क्या बात है, आपने तो माहौल बना दिया। आप गाते हैं क्या अक्सर? शौक रखता हूँ। शौक है, लेकिन इतना अच्छा आप गाते हो फिर शौक। यू कैन बिकम प्रोफेशनल सिंगर। थैंक यू सर। क्या कहते हैं वो भी सुन रहे हैं। सुनील जी, माहौल तो जूने गाने में होता ही है। जूने गाने ऐसे है कि ओल्ड इज गोल्ड ऐसे ही नहीं कहा जाता है उसे। वो गाने कुछ ऐसे रहते हैं कि माहौल ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है। और आपने भी गाया अच्छा। ये जो रूल था क्या मुखड़ा और एक अंतरा, तो आप लोग सब ऐसे ही है कि उतना ही रेडी करके आते हो? नहीं, एक्चुअली आई फॉरगॉट द लिरिक्स, अदरवाइज मैं पूरा गाता था। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको मालूम है कि मुझे एक मुखड़ा और एक अंतरा गाना है, तो वो आप बायट करके। मैं पूरा मूड में था पूरा गाना गाने का, बट वो लिरिक्स भूल गया, इसलिए आई हैड टू स्टॉप। आई एम सॉरी। नहीं, ओके ओके, अच्छा गाया, गाना अच्छा गाया। थैंक यू। मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, बट यू नीड सम स्पेशल ट्रेनिंग्स। हमारा क्लब आपके लिए ओपन है एंड इट इज टोटली नॉन कमर्शियल। बहुत बार वो सिग्नल से पार करता हूं तो आपका बोर्ड देखता हूं और मुझे मन करता है आपको आके मिले, बट आज मेरे को मौका मिला। थैंक्स टू नवी मुंबई आवाज एंड योर क्लब। नहीं, क्या होता है कि अक्सर हम लोग ऑडिशंस में कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं और देखते हैं कि है ना, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स परफॉर्म करते हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें कहीं पर मिस करते हैं जो आपके परफॉर्मेंस के आउटपुट पर इफेक्ट करती है।
तो यू नीड सम स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दैट टू जस्ट इम्प्रूव द योर परफॉर्मेंस. एक्चुअली कम टू एक्चुअली आज थोड़ा फर्स्ट टाइम मैं इतना बड़ा इसमें गा रहा हूं एंड आई नो अपना ग्रैंड फिनाले तो विष्णुदास भावे में है एंड ऑलरेडी 500 प्लस टिकट सोल्ड. तो आप सोचिए अगर ग्रैंड फिनाले में है तो पूरा 1000 सीट का कैपेसिटी का ऑडियंस में कितना मजा आएगा. वो भी फुल फ्लेज ऑर्केस्ट्रा और हमने जिस तरह से फिनाले को ऑर्गेनाइज किया है इट इज जस्ट लाइक अ रियलिटी शो going to be hit. Thank you sir. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं. हमारे बीच अभी अगले कंटेस्टेंट आ रहे हैं फिर एक बार फर्स्ट राउंड में संतोष सूर्यवंशी. आप भी बताइए सबको आपको कैसे पता चला नवीन बैडल के बारे में. आप कहाँ से हो क्या परफॉर्म करेंगे वो सब बताइए जरा. मैं जस्ट अब दोपहर में ही आया था यहाँ पे तो देखा ये चल रहा है तो मैं अभी स्पॉट एंट्री किया है और मैं गाना चाहूंगा एसपीबी का एक सच मेरे यार है फ्रॉम सागर फिल्म. क्या बात है. सच मेरे यार है बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे बाकी बेकार है यार मेरे. हाँ यार मेरे सच मेरे यार है बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे बाकी बेकार है यार मेरे. हाँ यार मेरे जिस हाथ में एक हाथ है उस हाथ की क्या बात है क्या फासले क्या मंजिले एक हम सफर कर साथ है जिसकी किस्मत कोई सवार दे ओ ही दिलदार है यार मेरे. हाँ यार मेरे झूमे गगन तेरे लिए होगे मगन खिलते रहे सपने तेरे महका रहे दिल का चमन जिंदगी तुझको ऐसी बाहर दे दिल की पुकार एक मिनट कहाँ भाग जा रहे हो आप सब हमारे यार हैं. थोड़ा इधर आगे आइए सुनते हैं सर के कमेंट्स आपके परफॉर्मेंस के ऊपर. अगर आग बंद करो तो कुछ कुछ जगह पे ऐसा लग रहा है कि एसपी बाल सुब्रमण्यम गा रहे थे. कोई कोई जगह आपकी बहुत
यानी उनकी स्टाइल आप बराबर कॉपी की है, आवाज़ में थोड़ा सा और बेस डालेंगे ना तो और भी उनके आवाज़ के करीब आप जा सकते हो। बहुत अच्छा गा रहे हो आप, थोड़ा सुर एक दो जगह पे गए, बाकी गाना ऑल ओवर बहुत अच्छा हुआ। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्या बात है। ओके थैंक यू। एक आखिरी कंटेस्टेंट आज के महफिल के हैं, सुबह 12 बजे से हम लोग लगे हैं, पूरी हमारी टीम नवीन भी आवाज़ की टीम, इनके लिए ज़ोरदार ताली हो जाए। मास्टर श्रेयस, श्रेया, दीप्ति साउंड के ऊपर। और सबसे मजे की बात है, ये जो पूरा कॉन्टेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें सारे से सारे अपकमिंग स्टार्स हैं इंक्लूडिंग मी, क्योंकि एंकरिंग में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ नवंबर आइडल में, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है डे बाय डे। और मुझे सारे कंटेस्टेंट ने बोला है कि ग्रैंड फिनाले का भी आप एंकरिंग कीजिए, तो मैंने उसका भी प्लानिंग स्टार्ट किया है। आई एम वर्किंग ऑन यूट्यूब स्पेशली रियलिटी शोज। ग्रैंड फिनाले में कोशिश करूँगा कि हेडफोन माइक हो और मैं थोड़े डांस स्टेप्स भी करूँ शाहरुख खान स्टाइल में। अच्छा लगेगा कि नहीं? हाँ, तो एक आखिरी कंटेस्टेंट बचा है आज के महफिल का, फिर हम लोग कल मिल रहे हैं 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, जिसमें नवी मुंबई आइडल के सिर्फ और सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन और जो फर्स्ट राउंड माने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड इतना ही कल होगा। कॉल बैक राउंड में जो लोग अभी छूट गए हैं वो कंटेस्ट से बाहर है ऑलरेडी, आई विल डिक्लेयर इट ऑफिशियली। और जैसे हम लोग आखिर में अपना धमाल परफॉर्मेंस करते हैं, सारे कंटेस्टेंट मुझे स्टेज पे चाहिए, कुछ गाना सोच लीजिए कि पूरा धमाल मस्ती स्टेज पे हो जाए एंड में। और स्पेशल थैंक्स टू रघुलीला मॉल मैनेजमेंट कि हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, जब भी कोई भी ऐसा हमें टैलेंट हंट या ऑडिशन करना है तो हमेशा वो हमारे साथ में है। और हमारे कुछ वेल विशेज है, जैसे हमने अपील की थी सबको कि इस प्रोजेक्ट में अपना हाथ बढ़ाइए, तो उसमें हमें अच्छे अच्छे लोगों ने सहयोग दिया है। मैं कुछ नाम अनाउंस कर किया देता हूँ, उसमें है इपोक इलेक्ट्रिक मिस्टर कृष्णेंदु चौधरी, उसके अलावा दीपक दलवी, तालियां बजाइए, ये सब लोग हमें हेल्प कर रहे हैं हमारे नए नए कलाकारों को। फिर बीजेपी समाज सेवा सेल के नितिन कंधारी, और काफ़ी लोगों के फ़ोन्स आ रहे हैं जो जैसे जैसे पॉसिबल है हमें वो अपनी मदद पहुँचा रहे हैं। और नवी मुंबई आइडल जो कि रफीज़ फैन क्लब मुंबई और नवी मुंबई आवाज़ की ये पेशकश है, फर्स्ट टाइम नवी मुंबई में लॉन्च हुआ है और आप इसके एपिसोड्स देख सकते हो हर रात 9:30 बजे और सुबह 11 बजे, और आप YouTube में भी इसको आप देख सकते हो वर्ल्ड वाइड, यू टू टाइप नवी मुंबई आइडल ऑन द YouTube। तो आइए आखिरी कंटेस्टेंट को मैं बुलाता हूँ, विवान कहाँ पे है? वो डांस कर रहे हैं वहाँ पे, डिस्को डांसर। अब माइक ले लो, माइक ले लो, ये बहुत होशियार लड़के, जाओ पहले माइक ले लो। विवान सक्सेना के लिए जोरदार तालियां हो जाए, नाम में ही इतना जोश है। झिलमिल सितारों का क्या है वो? आप गाना गा रहे हो झिलमिल सितारों का आगन होगा? हाँ। ये ऐसे पुराने गाने ये तो गाता है ये वाला, क्या चॉइस है? कितने आप कितने साल के हो? फाइव इयर्स के हैं। मुझे तो ये भी नहीं आता था, सही में मुझे ये भी नहीं आता था, पापा डांटते थे स्केल से, बोलते थे तुम 5 साल के हो गए तुमको 5 शब्द भी नहीं आते ABCD, ये हाल है। और ये देखो गाना गा रहे हो, भी पुराना जमाने का, आइए सुनते हैं। I'm not afraid to die.
ये क्या क्यों तालियां बजा रहे हैं मालूम पड़ा आपको? पूरे कॉन्टेस्ट में 105 रजिस्ट्रेशन आई है हमारे पास, उसमें जूनियर के ग्रुप में एक 4 साल का बच्चा है, वो ऑलरेडी एक राउंड क्रॉस कर चुका है, सेकेंड राउंड भी क्रॉस कर चुका है ऑफिशियली, और आज एक छोटी सी लड़की ने परफॉर्म किया था, 4.5 साल की है, और उसके बाद ये 5 साल का लड़का है। तो ये लोग अभी जैसे मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ेंगे काफ़ी टफ राउंड से आगे, बट जो 5 साल तक के बच्चे हैं ये लोग डेफिनेटली ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म कर रहे हैं। ओके ये अभी तक के 3 बच्चे हैं जो मैंने नोटिस किए हैं, इनको हम लोग किसी ना किसी माध्यम से, भले वो ग्रुप सॉन्ग हो या ड्यूएट सॉन्ग हो, जैसे भी पॉसिबल होगा, ग्रैंड फिनाले में इनको 10-12 म्यूजिशियन के साथ डेफिनेटली परफॉर्म कराएंगे। जटियमला पगला दीवाना, मैं जटियमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनु प्यार कर दी है, साडे उते ओ मर दी है, के ओ मैनु प्यार कर दी है, साडे उते ओ मर दी है, प्यार करती है साडे उते ओ मरती है, ते ओ मैनू प्यार करती है साडे उते ओ मरती है। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौपारे में, उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौपारे में, दुपट्टा फीका पींद के हुलारे में, मेले में अकेले फिर बाजार सारे में, कौन सा बनाया ना बहाना बहाना बहाना, बजट यमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है साडे उते ओ मरदी है, साडे उते वो मरती है। कमान बच्चा कमली, क्या आपको डांस नहीं आती है? ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे अत देख सड़क पे भाग जाती ना, ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे अत देख सड़क पे भाग जाती ना, जुल्फों के घूंघट में मुर्ग गजुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम
प्रेम दरोग पुराना 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 बजट यमला पगला दीवाना हो रवा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है साडे उते वो मरती है ओ मैनू प्यार करती है चटी अमला पगला दीवाना क्या बात है। थैंक यू। ये था ग्रैंड फिनाले का छोटा सा ट्रेलर। जब फुल फ्लेज ऑर्केस्ट्रा लगा हो, पीछे 10-12 म्यूजिशियंस हो और थ्री वे डॉल्बी साउंड हो तो क्या मजा आएगा। और जितने भी ये लोग यहाँ पे ग्रैंड फिनाले के पासेस आप यहाँ बुक कर सकते हैं डेस्क के ऊपर। और आइए नवी मुंबई के जितने भी जो टैलेंट्स हैं उनको आप बढ़ावा दीजिए, मोटिवेट कीजिए। नवी मुंबई आवाज और रफी स्पैंडल मुंबई प्रेजेंट्स नवी मुंबई आइडल। जिंदगी गले लगा ले